आप तेरा मुंह ऐलन दे दवाणी वर्गा मुंह रखे हुए है। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਜ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੁਮਾਣੇ ਦਾ ਤੈਨਕ ਲਾਈ ਕਿਦਾਂ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਯਾਰਾ। ਤੂੰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਅਪੀ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਰੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਮ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਦਾਮੀਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਤਵਾਬ और हम लेके आए हैं आपके लिए एक सवाल। अगर आपको उसका जवाब मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और अगर नहीं तो हमारे साथ रहिएगा। और आज का सवाल है, वो कौन सी चीज़ है जिसका नाम लेने से वो टूट जाती है? आइए जाते हैं लोगों में और देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन आता है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका नाम? मेरा नाम महताब आसिफ। महताब आसिफ, बहुत अच्छा नाम है। मैम हम लब्बे आज़ाद चैनल से हैं, आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, उसका जवाब देना है आपने। अच्छा पूछें। सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका नाम लेने से वो टूट जाती है? जिसका नाम लेने से वो टूट जाती है? जी जी। केड़िया। मशवरा कर लें। चलें एक मिनट बताती हूँ। केड़िया जिसका नाम लेने से टूट जाती है। आई डोंट नो। नहीं थोड़ा सा सोचें, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। अच्छा ठीक है, लेट मी थिंक। जिसका नाम लेने से टूट जाती है? जी जी। नहीं थोड़ा सा सजेस्ट कर देना, कुछ सेंटेंसेस पे गौर करें, मे बी आप करीब पहुँच जाए। अच्छा एक मिनट सोचने दें ज़रा। आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेबी आयशा। बच्चे शोर करते हैं? नहीं बहुत क्यूट है। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन वैसे ओवरऑल आप देखें कि बच्चे शोर करते हैं तो क्या कहा जाता है? बच्चों को तो डांटते हैं कि चुप कर जाओ वरना मार पड़ेगी। और करीब पहुंच गई हैं। अच्छा। और जहन में नहीं आ रहा, आप ही बता दें। आपने तो हार मान ली। आप ऐसा करें, आप ये कैमरे की तरफ सामने देखें और उनको कहें कि मैंने हार मान ली। अच्छा मैंने हार मान ली। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अस्मा। और आपसे सवाल ये करना है कि वो कौन सी चीज़ है कि उसका नाम लिया जाए और वो टूट जाती है? नाम लिया जाए और टूट जाती है? जी मुझे नहीं पता। थोड़ा सा सोचो। नाम लेते ही टूट जाएगी, ऐसी कौन सी चीज़ है? है तो है, पर आप खुद गेस करें क्या हो सकता है। मुझे नहीं पता। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम उनसी है। हम आपसे एक सवाल करेंगे। सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका नाम लेने से वो टूट जाती है? इसका जवाब दे दें। उसका नाम लेने से वो चीज़ टूट जाती है। सॉरी। अच्छा इतनी जल्दी हार मान गए हैं, थोड़ा सा सोच लें। जानदार बेजान, थोड़ा सा सोचें। नहीं कोई कोई सेंटेंसेस को सोच लें जो आप डेली रूटीन में बोलते हैं। वो उसका नाम लेने से वो चीज़ टूट जाती है। नहीं जेन में नहीं आ रहा। आप मैरिड हैं? जी जी मैं मैरिड। जब आप घर जाते हैं तो बच्चे शोर कर रहे होते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं। फिर आप उनको क्या कहते हैं? चुप कर जाएं। और बस शोर नहीं करें। थोड़ा सा और बस यही कुछ है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? बिनिश सईद। कहाँ से आई आप? मैं फैसलाबाद से। अच्छा फैसलाबाद से। अच्छा सवाल है करना है आपसे, सवाल यह है कि वो कौन सी चीज़ है कि उसका नाम लिया जाए और वो टूट जाती है? नाम लिया जाए और टूट जाती है? नाम लेने से क्या टूट जाता है? सवाल बड़े मज़े के, फैसलाबादी बड़े जुगती होते हैं। वैसे सोच रही हूँ आप भी जुगत भी मार सकती हैं और इसका जवाब भी देना मुझे। बस एक मिनट मैं सोच रही हूँ इसका एग्जैक्ट जवाब आपको दूँ। अच्छा उसका नाम लें और वो टूट जाती है? जी हाँ। कसम तो नहीं टूटती नाम लेने से। अच्छा क्या टूट जाता होगा, मेरी तो समझ में अभी नहीं आ रहा। सोचे सोचे सोचूं और। अच्छा नाम लेने से ही टूट जाती है। आ,
हार मान गई हैं या फिर अभी कोई और सवाल इसके साथ मल्टीपल करके देखें, शायद कोई और आता हो मुझे। चलो मल्टी में मल्टीपल अगर आप वो कह रही हैं फिर उसमें आपको कोई जुगत सुनानी होगी नाजरीन को, कोई जुगत पंजाबी में। पंजाबी में, पंजाबी में बड़ा मज़े की जुगते आप मारते हैं। अच्छा हाँ, फैसलाबादी हम बड़े अच्छे जुगते। किसके मुँह पर मारूँ मुझे ये बता दें। मेरे पे मार को। चलो आपके मुँह पर थोड़ा पीछे होके खड़े हो, मैं आपको बताती हूँ। आपका मुँह मुझे पता है कैसा लग रहा है, जराबा च पैसे जोड़े हुए हैं। और एक और है जैसा मेरी सिस्टर अक्सर मुझे कहती है, तुम्हारा मुंह इंज तो लगता है जिन सड़े हुआ आम होता है। अच्छा आप तेरा मुंह ऐसा लगता है दवाने वर्गा मुंह रखे हुआ है। तेरा मुंह दवाने का तैनक लाई किदा पहले मेनू ऐ दस यरा, तू लाई है कि तू तेरी अभी लग गई है, मैं लगता तेरी डिग गई है। यार मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा ए तरक्या हुआ आम, तू इथे अपनी बॉडी ते रखया क्यों है। अच्छा तरक्या है हम लगन दे। अच्छा फिर खड़ जा, वो तेरा मुँह ऐन लगन दे जिदा कांडिया कबर कढ़ी है। यार मैं हार गया, मैं कदी जुगत मारी कोई नहीं। चले आपका स्वो नहीं मुझे आता, जुगत मैंने मार दी है, मुझे आंसर कर दे आपने क्या कहा। मैंने कहा वो कौन सी चीज़ है जिसका नाम ले और टूट जाती है। वो खामोशी है। कॉमन सेंस। चले मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, वो कौन सी ऐसी औरत है ठीक है जिसको एग्जैक्ट पता है उसका मियाँ इस टाइम कहाँ है। अगर आप लोगों ने जवाब कोई नहीं ना दिया तो आपको इसका आंसर नहीं ना आता। आता है मेरे, आता है आपको आता। चले है। मुझे बताएं क्या है, बता दूं फिर। हाँ बताएं, ऑडियंस को बताएं ना। अच्छा मैं अगर बता दूं तो फिर उसका क्या नाम तो हो? आपको अगर बता दिया तो मैं यहाँ से कोई चीज़ आपको गिफ्ट कर दूंगी। क्या चीज़? कोई फर्ज महल। मैंने ब्रोचेस बनाए हैं, मेरे पास इयर रिंग्स हैं और मेरे पास नेकलेसेस हैं। नेकलेस तो खैर तुम्हारे पे सजेगा नहीं, तुम रख दो इसको, वो उधर से ब्रोच कर दूंगी कोई सस्ता सा देख के। सस्ता सा जो ये सवाल इतना महंगा है और चीज़ बड़ी सस्ती। अच्छा अगर से नहीं वो फिर मेरी तो सारी चीज़ें रह रही क्योंकि ये मैंने खुद बनाई है अपने हाथ से। अच्छा मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ जी। वो औरत जिसका मियाँ मर गया है वो कब्र में है और उसको पता होता है कि भाई मेरा मियाँ कब्र में, मेरा मियाँ इस टाइम कहाँ पर है। हाँ सिर्फ उसको पता है, उसके अलावा तो कोई नहीं दावा कर सकती कि मेरा मियाँ इस टाइम कहाँ पर मन गया। जिसके साथ है उसको पता है, मैं कहती हूँ उसको पता है, जो जिसके साथ है वो कह सकती कि हाँ भाई मेरे साथ है, मुझे पता है कि इस टाइम कहाँ, अदरवाइज कोई नहीं बता सकती। अब देखो जो जवाब दिया वो कैसा रहा। ठीक है अब आप पसंद कर लो, आपको गिफ्ट मिलने वाला है। बस क्लैपिंग कर दें थोड़ी सी। मैंने आपसे गिफ्ट नहीं लेना है बस। अच्छा। मैंने आपसे दुआ लेनी है और हमारे लिए भी दुआ करें, हमारा काम भी बस ऐसे ठंडक में चल रहा है। जवाब बहुत सिंपल था इसका। वैसे क्योंकि हम कराची से आए हैं और मतलब विजिट पे आए थे यहाँ, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं, तो अभी बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा। चले बहुत अच्छा लगा आपसे। इसका जवाब बहुत आसान था और जवाब था खामोशी। अच्छा खामोशी। हाँ जी। बोलने से टूट जाती है। हाँ बिल्कुल। चुप्पी है कि बोलते ही टूट जाती है। बिल्कुल वेरी गुड जी, क्लैप करें इनके लिए, बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया। आप बहुत इंटेलिजेंट। बादाम वगैरह तो नहीं खाते? नहीं ये कोई ख़ास नहीं, बस खा ही लेती हूँ कभी। बहुत ज़बरदस्त आपने जवाब दिया है और सदाबाद रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपके कारोबार में तरक्की दे। आमीन। शुक्रिया। थैंक यू। करीब करीब पहुँच गए हैं वैसे आप। खामोशी। गुड शाबाश नाज़रीन, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है, इनके लिए क्लैपिंग करेंगे हम लोग।